हेलो एवरीवन, मैं हूं मधु सिंह और आपका स्वागत है मेरे चैनल मधु फिल्मी तड़का में। और आज मैं एक न्यू सॉन्ग लेकर आई हूं कलमा का, और इस सॉन्ग का नाम है फेद। और ये जो सॉन्ग है वो MYP में से है और कलमकार से है। तो चलिए पहले सॉन्ग देख लेते हैं, सॉन्ग में ऐसा क्या है, तो वीडियो शुरू करते हैं। बोले नसीब से बड़ी नी चीज पर एक अजीब सा चढ़ा था शौक मुझे, चढ़ा मैं बीट पे करा डिफीट अब बोलते गोप मुझे। नसीब से बड़ी नी चीज पर एक अजीब सा चढ़ा था शौक मुझे, अब जब भी मिलते आंखों में दिखता खौफ। देखो नसीब से हम कैसे जीते, कैसे आए हम यहाँ पे बिना जीत के, हमको ताने भी मारे बोला गाने बेकार है। देखो सारे के सारे नीचे का सीट है, पर मन 3,000 की जॉब से मैं पहुंचा 20,000 की जॉब पे। अब शौक मेरे देख के काफी आतिश कुमार भी चौंकते, जो शेख ही बगार से बहुत थे अब वो बीच बाजार में रोकते। साले अजीब गवार से लोग हैं, हम अब भी शीश झुका के बोलते, शो पे कुछ 30,000 से लोग थे, पहले सीधे साधे लगते अब 25 इलाके खोजते, तभी हम फीस बढ़ा के बोलते। या तुझे बस दिखता है बैग जो पीछे टांगा मैंने लाख का, तुझे पता भी है साले में ATM का गार्ड था, आज भी मैं गार्ड हूँ परिवार का और आर्ट का। कलम बैसाखी बनेगी जब होने लगूंगा मैं 60 का, आज भी याद मुझे कि मैं क्या हूँ और क्या था, आज भी कभी किसी की नहीं चाटता। बोले नसीब से बड़ी नी चीज पर एक अजीब सा चढ़ा था शौक मुझे, चढ़ा मैं बीट पे करा डिफीट अब बोलते गोप मुझे। नसीब से बड़ी नी चीज पर एक अजीब सा चढ़ा था शौक मुझे, अब जब भी मिलते आंखों में दिखता खौफ मुझे। फैंस का प्यार ही बहुत है, उस पे सवार हूँ ब्रेक नहीं मारा, स्टोरीज में खेलते लौंडे सामने एक नहीं आ रहा, इनके गाने नहीं चल रहे जब तक कलेश नहीं आ रहा, इतना पॉजिटिव हो गया गेम में टेस्ट नहीं आ रहा। कर्मा पे पैसा ही बहुत है, कर्मा तो वैसे ही गोट है, हुरी अभी जय कैसे काम रहूं काम रहूंगा तो सीधे मौत है। कुछ बंदों की नियत में खोट है, कुछ बंदे वसीयत की चोट है, वो बंदे अब बाप के पैसों पे चौड़े हम उनके बाप भी टोटे। तेरे शहर में तेरे जैसे बहुत है, तेरे शहर में मेरे जैसा कोई नहीं, बक्से कमारे हक से खारे तेरे शहर में जबारे, जिसको अपना ना पता हो ऐसा कोई नहीं। बोले नसीब से बड़ी नी चीज पर एक अजीब सा चढ़ा था शौक मुझे, चढ़ा मैं बीट पे करा डिफीट अब बोलते खोद मुझे। नसीब से बड़ी नी चीज पर एक अजीब सा चढ़ा था शौक मुझे, अब जब भी मिलते आंखों में दिखता खौफ मुझे। या पैसे के पीछे मेरे पीछे पैसा, दुनिया पैसे के पीछे मेरे पीछे पैसा, दुनिया पैसे के पीछे मेरे पीछे पैसा, दुनिया पैसे के पीछे मेरे पीछे पैसा। क्या बात है गाइस, कर्मा जब भी आते हैं वो वर्ड प्ले करते हैं, और जिस तरह से उनके लिरिक्स होते हैं वो सच में ही अमेजिंग होते हैं। और इस सॉन्ग में भी वो जिस तरह से लिरिक्स लेकर आया वो मुझे काफी अच्छे लगे। और यहीं स्टार्टिंग में उन्होंने ये बात बोली है कि नसीब से आए हम जीत के, और ये बात तो सही बोली है कर्मा ने कि नसीब से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। और कर्मा अपने टैलेंट की वजह से यहाँ तक आए हैं, उन्होंने टैलेंट पे विश्वास किया है अपने और नसीब को पीछे छोड़ा है, और वही बात की है यहाँ पर कर्मा ने। और तभी कर्मा ने ये लाइन भी बोली कि तुझे पता है मैं गार्ड था ATM का, तो वहीं से पता लगता है कि कर्मा ने कितनी मेहनत करी है अपनी लाइफ में। और साथ ही साथ कर्मा ने यही बोला, आज भी मैं गार्ड हूँ अपने परिवार का आर्ट का, और यही लाइन मुझे उनकी काफी अच्छी लगी। और कर्मा ने ये लाइन भी बोली इस सॉन्ग में कि कलम बैसाखी बनेगी जब तक रहूंगा मैं 60 का, तो इस लाइन का मतलब यह है कि उनके गाने जब वो 60 की एज में होंगे वो आते रहेंगे तब भी। तो मुझे उनकी ये लाइन भी काफी अच्छी लगी, और सच में ही गाइस उनके गाने उस टाइम पे भी आएंगे जब वो 60 के होंगे। और साथ ही साथ कर्मा ने ये बोली दिया कि जो स्टोरी डालते हैं वो नजर नहीं आ रहे, और मेरे गाने इतने पॉजिटिव हो गए हैं कि टेस्ट नहीं आ रहा। और वहां उन्होंने बात की है लोका की, क्योंकि लोका ही स्टोरी डालते हैं, और जिस तरह से वो स्टोरी डालते हैं वो पोक करते हैं, तो उसी का रिप्लाई दिया है कर्मा ने कि स्टोरी डालते हैं और वो नजर नहीं आ रहे। और यहाँ कर्मा जो शॉट लेकर आए हैं लोका के लिए, और उन्होंने जिस तरह से वर्ड प्ले किया है वो मुझे काफी अच्छा लगा। और कर्मा ने इस तरह से इस सॉन्ग में लोका को भी सुनाया, और उनका रैप भी मुझे काफी अच्छा लगा। और आपको पता ही है जब कर्मा आते हैं अपना सॉन्ग लेकर तो मीनिंगफुल लिरिक्स होते हैं उनके, और इस सॉन्ग में उनके मीनिंगफुल लिरिक्स थे कि मैं ATM गार्ड था। तो उन्होंने जिस तरह से अपनी रियलिटी को सॉन्ग में एक्सप्लेन किया है वो भी काफी अच्छा था। सो मुझे ये सॉन्ग काफी अच्छा लगा, जिस तरह कर्मा अपने लिरिक्स लेकर आए सॉन्ग में वो भी काफी अच्छे थे, उनका रैप भी काफी अच्छा लगा मुझे।
ये था मेरा रिएक्शन, और आप बताइए आपको ये सॉन्ग कैसा लगा, इसमें मेरा रिएक्शन कैसा लगा। जब तक मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, मधु फिल्मी तड़का। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी।